कई महीने से उसने मेरी पगार नहीं दी थी, वो मेरी रिटायरमेंट के पैसे देगा, वो भी डबल करके। वो जो हीरे मोती पहनते हैं ना, पता नहीं बेटा वो असली है कि नकली। हाँ, इतनी चिंता हो रही थी मुझे, कुछ मालूम है वाह, ये तुझे हाथ में क्या हुआ, ये कैसे लगी तुझे? चाय पिएगा तू? मैं चाय बनाती हूँ। वाह बता क्या हुआ, वाह ये इतना ज्यादा कैसे लग गया? कहीं बाहर ने तुझे बोला नहीं? तुझे बोला रे, मालिक और नौकर के बीच में मालिक और नौकर का ही रिश्ता रहता है। जेल गया तू, मोटा बापू को दिया हुआ वचन पूरा करने, क्या मिला बदले में? ना नहीं रणवीर, सजा मिली सजा। भाई थी तेरी फाल्गुनी माँ, ईशानी के रिश्ते की खुशी में मुझे बख्शिश देने, लेकिन पास से देखा नहीं गया। ये ठीक नहीं किया बाने, वो मेरे साथ कुछ भी करे लेकिन उन्होंने तेरे साथ सही बोलती है तू मां, यहां कोई नहीं अपना, कोई नहीं, मैं आज तक हर एक को अपना मानता है, पर उन लोगों ने तेरे साथ तो सारा सामान बात मैं आ रहा हूं। रणवीर, चिराग का फोन, वाह वाह, ये कोण असले मोठे थी राडू पाडास? कैमरे छोकरा, इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात करेगा? भूल गया, इस घर में नौकरों का आवाज और सर सब याद है मुझे। इस घर में आपकी रोटियों से ज्यादा गालियां खाई है मैंने, शाबाशी से ज्यादा इल्जाम लगाए मुझ पर। आपने मुझे मारा, मुझे पीटा, मुझे जेल भेजा, मेरे कपड़े उतरवाए, मुझे पुलिस के डंडे तक खिलवाए, उस तक नहीं की मैंने, लेकिन आपने मेरी माँ को चोट पहुंचाई, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो चुप रहने का? नहीं चुप रहूंगा मैं, बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा। मेरी माँ को कोई अगर हाथ लगाएगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। आपने सारी हदें पार कर दी इस बार, मेरे बाबा आपको माई बाप मानते हैं। हम दोनों कितने सालों से सर झुकाकर अपनी वफादारी निभा रहे, ये सोचकर कि मालिक भगवान होता है, ये सोचकर कि जिस घर में मालिक ने जगह दी रहने के लिए बाबे सब कुछ हंसते खेलते सब कुछ सह लो, पर नहीं, आपने आज वो गलत साबित कर दिया। आपने ये साबित कर दिया कि हम कितना गलत सोचते हैं। मैं नहीं रहूंगा यहां पर, चला जाऊंगा, जैसे मोटा बाबूजी और ईशानी आ जाएंगे मैं अपने माँ और बाबा को लेकर यहां से चला जाऊंगा। तो जाने किसने रोका है तुझे, तुझ जैसे टके के भाव में मिलते हैं। हाँ भी, जाने से पहले वो 1,00,000 रुपए जो दिया है वो लौटा देना भाई, नहीं तो क्या है पूरे खानदान को
जेल में बैठना पड़ेगा। एक एक पाई चुकाऊंगा आपकी, एक एक पाई। जिस घर में कोई मान नहीं मिला आज तक, उस घर का कोई एहसान नहीं रखना अपने सर पर मुझे। एक सोने की चेन के लिए अपने मेरी माँ का हाथ जलाया? अरे वैसे 10 सोने की चेन अपनी माँ के गले में डालूंगा, और वो भी आपके सामने। आज तक आप लोगों के लिए जीता आया, लेकिन अपनी माँ के लिए मरा नहीं हूं मैं, मरा नहीं हूं अपनी माँ के लिए। धमकी देता है तुम मुझे, मुझे तो धमकी। बाबूजी की माँ है, इज्जत करता हूं मैं उनकी, इसलिए लिहाज कर रहा हूं, वरना कोई और होता ना तो। हर्षद ने तुझे बहुत सर पे चढ़ाया है और उसके आंख में तो पट्टी बंधी है, पर मैं सब समझती हूं कि तू क्या चीज है। जानबूझकर तूने ईशानी और चिराग को मिलवाया है, क्योंकि बदले में तुझे हर्षद से हड्डी और बोटी चाहिए थी ना। कुत्ता ही तो है तू, कुत्ता। पर एक बात तू भूल गया कि कुत्ता जब दुम हिलाता है तो मालिक उसे खुश होकर उसको बिस्किट देते हैं, सर पर उठाकर नहीं बिठाते। जो भी कर ले, रहेगा तो नौकर डो नौकर। रणवीर, ये जो तेरी अकड़ है ना, ये अकड़ निकालना मुझे अच्छी तरह से आता है। देखा ने तेरी माँ के साथ क्या किया मैंने। बस माँ का नाम मत लेना, वरना वरना क्या करेगा तू? बोलने क्या करेगा तू? अब जो बोलना है ना, मोटा बाबूजी को बोलूंगा। चिराग का मोबाइल मेरे पास है, खुद ही जाकर देखकर आता हूँ फोन, साथ ही उसके ड्राइवर वाली बात भी पूछ लूंगा। ईशानी की लाइफ का सवाल है, मुझे ये कंफ्यूजन क्लियर करना ही पड़ेगा। तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे तो मैं तुमसे अपसेट ही रहूंगी ना। सॉरी गरिमा, 2-3 दिन से मैं काफी बिजी था और आज सुबह से मेरा फोन भी मेरे पास नहीं है, पता नहीं मैं कहां रख के भूल गया। इस स्टूपिड रीजंस ना मुझे मत दो, जस्ट क्लियरली टेल मी तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। आई मीन कोई और पसंद आ गया तुम्हें क्या, उस वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? जस्ट टेल मी, आर वी स्टिल टुगेदर और नॉट? हे हे हे, हैंग ऑन, ऑफ कोर्स वी टुगेदर। तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है, बस आपको शादी के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वो क्या है ना, मेरी मेरी फैमिली ने मेरा रिश्ता एक रिच फैमिली की लड़की के साथ तय कर दिया है। व्हाट चिराग, रिश्ता? करीमा, ये शादी मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, मेरे डैड की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कर रहा हूँ। What do you mean by financial problems, चिराग? उस लड़की के डैड बहुत रिच है और उनका कोई बेटा नहीं, अगर मेरी शादी उनकी बेटी से हो जाती है तो लाइफ सेट हो जाएगी, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब तुम पैसों के लिए शादी कर रहे हो, मेरा क्या होगा उसके बाद? ये शादी सिर्फ कुछ दिनों के लिए है यार, प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ ना, और उसके साथ बस प्यार का नाटक कर रहा हूँ ताकि वो शादी के लिए हाँ बोल दे, और वो हाँ बोल चुकी है।
बस ये सिंपल स्टूपिड टाइप की लड़की है, उसमें शादी के बाद आराम से हैंडल कर लूंगा। मेरे मां प्लीज, कुछ दिनों की बात है और सब कुछ सॉर्ट करने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा ना। कुछ दिन मतलब क्या, तुम्हारी शादी तक का वेट करूं मैं? चिराग, इट्स नॉट पॉसिबल। तुम इतना भी नहीं कर सकती मेरे लिए, और शादी के बाद जो पैसे आएंगे वो तुम्हारे भी तो होंगे, साथ मिलकर एंजॉय करेंगे। प्लीज